अहमदाबाद की सीट से टिकट कटने के बाद हरिन पाठक इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। प्यारे पत्रकार बंधुओं, भगिनियों, वैसे तो आप लोगों से मेरा दिल का रिश्ता है, कैमरे का रिश्ता कम है, क्योंकि कैमरे के सामने आना ये सौभाग्य की बात है, मगर उससे भी ज्यादा मेरे लिए 48 साल के सार्वजनिक जीवन में जनता के सामने रहना ही प्रमुख मेरा जीवन का ध्येय रहा है। फिर भी आप सब वो हो जिन्होंने मुझे इस 48 साल में 1967 के खाड़िया के एक छोटे से बूथ समिति के कार्यकर्ता, जो चुनाव में अपने 15 रुपये पिताजी देते थे कॉलेज एक्सपेंस खर्च करने के लिए, उसमें से खड़ी लाना, दीपक का चित्रण करना, माँ मर गई थी, खुद चावल बनाना और उसी चावल से पोस्टर चिपकाना, वहां से लेकर 7 बार लोकसभा, 19 साल कॉरपोरेशन और 39 साल से लगातार मुझे विजयी बनाया है। मैं तत्कालीन जनसंघ, वर्तमान भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश एवं केंद्रीय नेतृत्व का ऋणी हूं। अनेक जिम्मेवारी सौंपी गई, मैं ऋणी हूं अहमदाबाद की जनता का, मैं ऋणी हूं गुजरात की जनता का, मैं ऋणी हूं मीडिया का, क्योंकि मुझे लगता है, जहां तक मैं समझता हूं, शायद ही कोई राजनेता होगा जिसके बारे में कम से कम विवाद या विवाद जैसी कोई चीज न हो, ऐसा मीडिया ने आज तक नहीं छापा न दिखाया। मैं अंतकरण से इन आप सभी का, कार्यकर्ता बंधु, नेतृत्व का, जनता का आभारी हूं। आज वैसे भी एक ऐसा दिन है जिस दिन 23 मार्च 1931 को शहीद भगत सिंह, खुदीराम बोस, सुखदेव जी की पुण्यतिथि है, उन्हें फांसी दी गई थी। मैं उनको हृदय से, उन शहीदों को श्रद्धांजलि समर्पित करता हूं। मित्रों, पिछले कुछ महीनों से, कुछ दिनों से, एक पुराने जनसंघी कार्यकर्ता के नाते, एक सन्निष्ठ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, जिसने 48 साल इस पार्टी में बिताए हो, उसके नाते, और जो पार्टी सिद्धांत, राष्ट्रहित और देश हित को सबसे आगे रखती है, उसमें मुझे लगा गुजरात में कि जिस प्रकार से पिछले कुछ दिनों में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई है, उनका व्यक्तित्व है, लोकप्रियता है, जन समर्थन है, फिर मेरी समझ से परे हो रहा था पिछले कुछ दिनों से कि जिन लोगों ने कांग्रेस में रह करके भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को गालियां दी, भारतीय जनसंघ के नेतृत्व को गालियां दी, यहां तक कि चुनावों में
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमले किए, हत्या की, ऐसे तत्वों को जब गुजरात में जरूरत नहीं है तब पार्टी में लाना, उसी दिन या दो दिन या चार दिन के बाद उनको पद देना, उनका सम्मान करना, ये घटना से मैं बहुत व्यथित हूं। और इससे मैं व्यथित नहीं हूं, मैं पिछले 3 महीने से ये देख रहा हूं। कच्छ से लेकर वाव से लेकर वलसाड तक, दाहोद तक, हर निष्ठावान कार्यकर्ता भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी में जिसने अपना जीवन समर्पित किया है, इन कांग्रेस के तत्वों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, अपना जीवन जोखिम में रखा है, उनकी जो मनस्थिति हुई है उनकी वेदना ने मुझे झकझोर कर दिया है। गुजरात में भी इस बार जो टिकट का आंकलन, टिकट के बंटवारे हुए, मेरा मानना है व्यक्तिगत रूप से कि विशेष करके अहमदाबाद में, पूर्व में, पश्चिम हो या दूसरे क्षेत्र में, कि लोकसभा की टिकट या विधानसभा की टिकट, गुजरात की जनता इतनी जागरूक है कि वो कॉरपोरेटर, विधायक के सांसद के बीच कोई डिफरेंस नहीं समझते। उनकी अपेक्षाएं है कि हमारा सांसद नल की नाली भी रिपेयर करे, जो मैं आज तक करता आया हूं और अभी भविष्य में करता रहूंगा, सांसद रहूं न रहूं, और नहीं रहूं रहूंगा। मां बीमार है तो अस्पताल में फोन करे, घर में पारिवारिक समस्या हुई है तब भी सांसद को अपना परिवार समझ करके उनसे मिले। 24 घंटे जनता के बीच रहने वाले सांसदों को, प्रतिनिधियों को गुजरात की जनता ने स्वीकारा है, उनकी अपेक्षा रही है। मैंने अपने जीवन में 39 साल जनप्रतिनिधि में हुए, 48 साल पार्टी में हुए, 75 में मैं पहला चुनाव खाड़िया से लड़ा, 3 बार लड़ा, 3 बार 1991 तक। 89 में मुझे पहली बार लोकसभा लड़ाई गई, जबकि अहमदाबाद शहर में 12 में से सिर्फ एक सीट अशोक भाई भट्ट, मेरे राजकीय बड़े गुरु, मेरे भाई, खाड़िया के मेरे साथी सहयोगी वरिष्ठ जो आज नहीं रहे, उनकी अकेले की सीट छोड़ करके 11 सीटें कांग्रेस के हाथ में थी। उस वक्त मुझे चुनाव लड़ाया गया, मैं लड़ा, मुझे बताया गया था कि हारना है, मानसिक तैयारी रखिए, आप डीम के कार्यकर्ता हो, हारने के लिए खड़ा कर दिया गया। पार्टी की मंशा नहीं थी कि मैं हारूं, मगर पार्टी का काम खड़ा हो जाए, पहले हम चुनाव पार्टी के काम खड़ा करने के लिए, हारने के लिए लड़ते थे, सिर्फ जीतने का उद्देश्य नहीं था, ताकि काम खड़ा हो जाए। अहमदाबाद की जनता का समर्थन, प्यार, आप लोगों का प्यार, 1.5 लाख वोटों से वो चुनाव में 89 में जीता, और आज लगातार 7 बार जीता आया हूं। तो मेरी वेदना जो है आज मैं कहना चाहता हूं, वो वेदना ऐसे तत्वों से है कि इन तत्वों को लाकर हम क्या संदेश देना चाहते हैं गुजरात की जनता को। इससे कार्यकर्ता का नैतिक मनोबल टूट चुका है। कच्छ से लेकर दाहोद तक, वाव से लेकर वलसाड तक, उसकी वेदना उन्होंने मुझे कही है, और इस वेदना से मैं भी पीड़ित हूं, क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि मेरी प्रथम प्राथमिकता जीवन में यही रही है, पद की मैंने कभी कामना नहीं की। मैंने 75 में भी टिकट नहीं मांगी, न 9 में भी नहीं मांगी, सेवा सेवा सेवा। तो सेवा के मनोभाव से आने वाले
अगर कोई विशिष्ट व्यक्ति हो तो उनका स्वागत है, मगर जिनको कांग्रेस में निम्न स्तर का कार्यकर्ता माना जाता है उनको यहाँ बुला करके पदोन्नत उसकी उसको पद दिया जाए, उससे कार्यकर्ता आहत है। मैं इस भावना से भी आहत हूँ। जहाँ तक मेरे बारे में सवाल है, मेरा कार्यकर्ता दुखी है। मैंने अपना जीवन समर्पित किया इस शहर के लिए, आप सब साक्षी हो। हरिन भाई पाठक का बेडरूम में लोग आ सकते हैं, अभी भी लोग बैठे हैं। किसी की मां मरी हो, मैंने वीएस में अपना पूरा, किसी ने मुझे भारतीय जनसंघ और जनता पार्टी के एजेंडा में नहीं था कि हरिन भाई आप गरीबों की सेवा के लिए वीएस जाओ, ये एजेंडा में कभी नहीं होता। किसी का बच्चा इकलौता बेटा अमेरिका या न्यूजीलैंड में मर जाता है तो उसकी डेड बॉडी लाने का कोई एजेंडा नहीं होता। 2 बजे फोन आता है। अमरेली के चलाला में 2009 के चुनाव में जब आडवाणी जी आए, पूरी 50 लोगों की बस खाई में गिरी, चलाला से फोन आया। मेरा मत क्षेत्र नहीं था अमरेली में, मैंने खंडोरी जी को फोन किया, 3 रात जागा मैं और उनकी डेड बॉडी लाई और उन सभी घायलों की सारवार की। उनको खंडोरी जी ने तुरंत मेरे कहने से मुलाकात करके पैसे दिए, ट्रेन की व्यवस्था की। तो ऐसा काम करना वाले एक सांसद में हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि ऐसा ही काम करने वाला सांसद अहमदाबाद को मिले। मुझे नहीं लगता है कि ऐसी स्थिति में अब नए सांसद जो आएंगे वो आपको बताएंगे कि मेरी और अहमदाबाद की जनता की अपेक्षा है वो पूरी करेंगे कि नहीं करेंगे। परेश रावल का नाम तो बताया गया है सांसद उम्मीदवार के तौर पर, उससे आपको कन्विंस है? ना, मेरा 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 उसी से लेकर ही थोड़ा है कि अहमदाबाद की जनता की जो मानसिकता है ना, वो मानसिकता ये है कि हमारे बीच रहने वाला आदमी चाहिए। सुबह जाकर हम उसका घर, अभी ट्रू कॉपी पर साइन कराने वाले 4 लोग बैठे, आप देख लीजिए घर में। आज मैंने अपनी भावना व्यक्त की है, मैं बहुत आहत हूँ, बहुत आहत हूँ। क्योंकि आप सोच सकते हो कि जिस आदमी ने गुजरात में 2 चेहरे थे, मैं अपनी प्रशंसा नहीं करता, जिन चेहरों ने गुजरात में जनसंघ से लेकर भाजपा को गांव गांव तक पहचान दिलवाई, एक श्रद्धेय स्वर्गस्थ अशोक भट्ट। और मुझे बहुत विनम्रता के साथ कहना है कि हिंदी में भाषण करने के कारण छोटे वाजपेयी के नाते 67 से लेकर आज तक हजारों सभाएं पार्टी के लिए, पार्टी की विचारधारा के लिए मैंने की है। अनेकों बार आज सुबह मेरी मुझे मिलने के लिए मुकुल भाई, असित भाई वोरा भाई, श्री कमलेश भाई वो आए, मुकुल भाई बैठे हैं मेरे घर में, नेतृत्व से मुझे बात करवाई। मैंने उनको वही कहा जो मैं आपको भी कहने जा रहा हूं, क्योंकि आप देखिए पिछले 3 दिन में मैंने कोई उत्सव नहीं मनाया था। 2009 के बाद मेरे क्षेत्र में अहमदाबाद के साथ साथ साबरकांठा तक का इलाका जुड़ा, नैनपुर चौकड़ी से लेकर शेरथा तक और अमरेवाड़ी खोखरा से लेकर के रखियाल तक और वहां देवकरण का मुवाड़ा यानी कपड़वन तक 450 गांव के लोग दूर दूर से हजारों की संख्या में शहर के हजारों कार्यकर्ता आए। उन सब वो आहत थे क्योंकि उनको पैड के नीचे बैठ करके बजट देने वाला, मां मर रही है तो सिविल में फोन करके तुरंत डॉक्टर को बुलाने वाला सांसद की अपेक्षा थी, वो पूरी नहीं हुई है। तो मैं उन सभी से बातचीत करके आने वाले 2-3 दिन में जो भी निर्णय मेरा कार्यकर्ता करेगा उनसे संपर्क करके विचार विमर्श करके अपना फैसला सुनाऊंगा। देखिए मैं सभी कार्यकर्ताओं को मिलूंगा क्योंकि आज तक जो कार्यकर्ता है वो मुझे
तो मैं बहुत आहत हूं क्योंकि टिकट नहीं मिला है। कार्यकर्ताओं का मनोबल बहुत ज्यादा गिरा हुआ है। बाहर से आए लोगों को टिकट दिया जा रहा है और अहमदाबाद को 24 घंटे साथ रहने वाला चाहिए क्योंकि वो 7 बार से जुड़े रहे हैं, 48 साल से पार्टी के साथ जुड़े रहे हैं, लेकिन इस बार टिकट कट गया। हरिण पाठक आडवाणी के करीबी माने जाते हैं।